साथियों, कल पूरे हरियाणा के अंदर रोड जाम का प्रोग्राम है और बहुत अच्छी लोगों के अंदर जागृति है। बहुत अच्छा आंदोलन आपका कल होने वाला है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि ये आंदोलन हमने शांतिपूर्वक लड़ना है और बनाए रखना है आंदोलन को। ये ना हो हमारा आंदोलन बीच में टूटे। उसमें अनुशासन जरूरी होता है, अनुशासन के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा कोई भी साथी आगजनी ना करे, तोड़फोड़ ना करे, और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है उसको तुरंत पकड़ लिया जाए और हमारा जो आंदोलन है वो पूरी तरह से शांतिप्रिय रहेगा। हरियाणा के सभी रोड जाम करने हैं, जितनी किसी की ताकत बनती है। छोटी ताकत है तो छोटा रोड जाम करें, बड़ी ताकत है तो बड़ा रोड जाम करें। और अगर कोई एम्बुलेंस आती है, कोई मिलिट्री की गाड़ी आती है, कोई मरीज आता है, उसको हमने नहीं रोकना है। हमारा केवल रोष प्रदर्शन है, 12 बजे से 3 बजे तक है। 12 बजे के पहले कोई रोड जाम ना करे, 3 बजे के बाद कोई रोड जाम ना रखे। तो मेरी सबसे बेनती है कि ये छोटी छोटी हिदायतें हैं जिसका सभी पालन करें और ये आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक रहेगा। लेकिन पूरा हरियाणा जाम हो जाना चाहिए। अगर कोई पड़ोस जाति करती है, चाहे वो लाठी मारे चाहे वो गोली मारे, हमने सामने खड़के खानी है, हमने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना है। इतनी सी बेनतियाँ हैं। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन हमारी बेनतियों को कबूल करें। धन्यवाद।